मैं हूँ इसका नाम सारी, मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट और सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट यूएसए हूँ और करंटली मैं एक बिग फोर अकाउंटिंग फर्म में कनाडा में काम कर रही हूँ। अगर आप मेरे बारे में मज़ीद जानना चाहते हैं तो मैं एक वीडियो का लिंक इधर और एक वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ और मेरी प्रोफेशनल हाईलाइट्स के लिए आप मेरी लिंक्डइन भी चेक कर सकते हैं। मैंने ये चैनल इसलिए स्टार्ट किया ताकि मैंने जो भी सीखा अपने सीए जर्नी में और जिस भी तरह से मैंने पढ़ाई की, जैसे मेरे मेरिट सर्टिफिकेट्स आए, वो सारे टिप्स मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। तो आज का टॉपिक हमारा होने वाला है एडवांस टैक्सेशन, जिसका नाम सुन के कोई ख़ास एक्साइटमेंट किसी को भी नहीं होती, पर क्या करें, एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है और पास भी करना है, तो इसलिए चलिए आज देखते हैं कि हम इसे कैसे टैकल कर सकते हैं। मैं हमेशा से सोचती थी कि ये बार बार वीडियोज़ में इसे सब्सक्राइब करने को क्यों कहते हैं, पर अब मुझे एक्चुअली वजह समझ आ गई है और वजह यह है कि जब तक कहा ना जाए तब तक कोई सब्सक्राइब करता नहीं है, तो इसलिए मैंने भी कहना स्टार्ट कर दिया है। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक सेकेंड लगता है, आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल को अपने तमाम दोस्त यारों के साथ शेयर कीजिए जो अभी सीए में या तो स्ट्रगल कर रहे हैं या अदरवाइज उन्हें ये सब्जेक्ट रिलेटेड टिप्स हेल्प कर सकती हैं, तो डेफिनेटली आपको उनके साथ शेयर करना चाहिए। अच्छा, सबसे पहले मैं आज आप लोगों को बताऊंगी कि कैसे मैंने एडवांस टैक्सेशन की तैयारी की थी, और ये तब की बात है जब एडवांस टैक्स ओपन बुक नहीं होता था और हमें हर चीज़ याद करनी होती थी। सबसे पहली चीज़ तो ये कि मैंने जब कैफ लेवल पे टैक्स पढ़ा था तो मैंने खालिद पेटीवाला साहब की बुक से पढ़ा था, और उस बुक में के साथ ऑफकोर्स मेरे उस टाइम कैफ लेवल पे एक टीचर भी थे, पर वो बुक भी काफ़ी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी थी, तो इसलिए मुझे ये तो क्लियर था कि सीफैप लेवल पे मैं वो पेटीवाला साहब की ही बुक उस जो कैफ लेवल सीफैप लेवल की है वही यूज़ करूँगी। मैंने सीफैप का एडवांस टैक्सेशन कम्प्लीटली सेल्फ स्टडी बेसिस पे किया था। मेरे एग्ज़ाम में अपेयर होने से एक या दो सेशन पहले ही खालिद पेटीवाला साहब ने कुछ ऑनलाइन लेक्चर्स अपने शुरू के कोर्स पूरे इनकम टैक्स एंड उसके अपलोड किए थे अपनी वेबसाइट पे, तो मैंने सोचा था कि उनकी बुक से पढ़ते हुए वो रिकॉर्डेड लेक्चर्स लेके तो फिर मैं खुद से सेल्फ स्टडी बेसिस पे कर लूँगी, तो मैंने अपनी यही अप्रोच रखी थी। वो जो लेक्चर्स थे वो पूरे सिलेबस पे तो नहीं थे, तो इसलिए फिर यही हुआ था कि जो रिमाइंडर था वो फिर मैंने खुद से बुक से और फिर साथ ही जो बेयर एक्ट्स होते हैं आपके उनसे खुद से फिर तैयारी की थी। मैंने बहुत ही लीनियर अप्रोच से पढ़ा था कि जो चैप्टर्स जिस तरह से चैप्टर्स गिवन थे उसी तरह चैप्टर वाइज पढ़ा था, कोई पहले चीज़ कोई बातचीत यूँ करके खुद से नहीं किया था। हर चैप्टर के एंड पे क्वेश्चन होते थे और वो मैं साथ साथ प्रैक्टिस कर लेती थी, लेकिन एक चीज़ जो मैंने बिल्कुल साथ साथ की वो ये किया कि जो भी चैप्टर मैं पढ़ती थी उस बुक से उसमें जितने रेलेवेंट सेक्शंस मैंशनड होते थे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के या सेल्स टैक्स के, वो सारे सेक्शंस जाके मैं एक्चुअली बेयर एक्ट से भी पढ़ती थी साथ साथ, वो मैंने नहीं मिस किया। और इसकी वजह यह है कि काफ़ी दफ़ा बुक में लॉ की लैंग्वेज को सिंप्लीफाई करने के लिए कुछ चीज़ें ऐसे पैराफ्रेज की जाती हैं कि उनका रियल मीनिंग लूज़ होने लग जाता है और आपको एक्चुअली वो जो इम्पोर्टेंट बात होती है वो आपसे मिस हो जाती है। तो जब आप बेयर एक्ट्स पढ़ रहे होते हैं तो कहीं कई जगह आपको एक्चुअली समझ में आती है कि मेन बात क्या थी और वो उसका एक्चुअली जो पैराफ्रेज हुआ हुआ है उसका मीनिंग क्या है। तो मेरे लिए हमेशा जो बेयर एक्ट्स हैं वो सप्लीमेंट करते हैं टू द बुक, तो उससे मुझे बेटर मेरी अंडरस्टैंडिंग और बेटर हो जाती है और बहुत स्ट्रांग हो जाती है। उसके अलावा बुक की ये भी कोशिश होती है कि वो पूरे आपके जो एक्ट्स हैं या जो भी सिलेबस में सेक्शंस कवर्ड हैं वो कवर करे, पर फिर भी बुक में होते हैं चांसेस कि वो कुछ सेक्शंस मिस करती हैं, तो इसलिए आपको जो भी रेलिवेंट सेक्शंस सिलेबस में गिवन होते हैं वो आपको क्योंकि कवर होने चाहिए, तो इसलिए मैं हमेशा बेयर एक्ट्स को साथ साथ लेके चलती थी। तब तो खैर सेल्स टैक्स से कुछ रेट्स और इस तरह की चीज़ें भी हमें याद करनी होती थी, तो इसलिए हमें तो काफ़ी ज़्यादा मेमोराइज करने का भी काम होता था, जो कि आप लोग बहुत लकी हैं कि आप लोगों को नहीं है। तो आइए आप देखते हैं कि आप लोग क्या टिप्स फॉलो कर सकते हैं एडवांस टैक्सेशन को अच्छे से टैकल करके पास करने के लिए। अच्छा, टिप नंबर वन ये है कि आपने हमेशा जो भी प्रिपरेशन करनी है वो आपने लेटेस्ट बुक से करनी है। बेयर एक्ट्स तो आपके पास इनडेफिनेटली लेटेस्ट होने ही चाहिए, अगर वो आपके पास पुराने उनके साथ एडेंडम आपके पास होना चाहिए, क्योंकि अब तो आपने ये एग्जाम में भी लेके जाना है एज एन ओपन बुक, तो इसलिए आपने इंश्योर करना है कि आपके बेयर एक्ट्स अप टू डेट हों।
अगर आप एग्ज़ाम रिपीट कर रहे हैं, आप दोबारा से अटेम्प्ट दे रहे हैं, तो इंश्योर करें कि जो आप जिस बुक से पढ़ रहे हैं वो बुक एटलीस्ट लेटेस्ट है, वरना अगर थोड़ा सा भी चेंज आया होगा तो आप बस कन्फ्यूज़ ही होते रह जाएंगे कि कौन सा वाला सही है कौन सा वाला गलत है, और वो कन्फ्यूजन टैक्स में कम ही आना चाहिए क्योंकि ऑलरेडी टैक्स में काफ़ी इंटरप्रिटेशन इश्यूज हैं। तो इस तरह के कन्फ्यूजन जितनी मिनिमाइज हो सके उतना मैं कहूँगी अच्छा है। तो इसलिए बेहतर यही है कि आप लेटेस्ट बुक से तैयारी करें। वैसे तो क्योंकि खुद मैं बहुत ही एक लीनियर वे में तैयारी करती हूँ, इसलिए मैं कभी कभी सोचा नहीं इसके बारे में इस तरह के पहले क्या किया जाए बाद में क्या किया जाए, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ लोगों के लिए एक्चुअली ये जो सेकंड वाली अप्रोच है ये बेटर वर्क कर सकती है। क्योंकि मेरी एक फ्रेंड से बात हो रही थी जिन्होंने रिसेंटली एडवांस टैक्स पास किया था, और उनके लिए इस तरह से ये चीज़ ईजी हुई थी कि पहले उन्होंने जो है वो सेल्स टैक्स वगैरह वाला पोर्शन कवर कर लिया था, एथिक्स एंड सेल्स टैक्स वाला, क्योंकि उसकी वेटेज काफ़ी ज़्यादा है और उसमें टाइम काफ़ी कम लगता है एज़ कम्पेयर टू इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। तो उन्होंने पहले वो तैयार कर लिया था और उसके बाद फिर उन्होंने इनकम टैक्स पे आराम से तसल्ली से तैयारी की। मीनवाइल आप ये कर सकते हैं कि जब आप इनकम टैक्स की तैयारी कर रहे हैं तो हफ्ते में एक से दो क्वेश्चन लाजमी आप सेल्स टैक्स के पिक करके ही साथ साथ करते रहें, थोड़ी बहुत रिविजिट करते रहें ताकि आपको वो उसकी ट्रीटमेंट्स और सारी चीज़ें भूलें नहीं। पर यह कि आपको एटलीस्ट ये तसल्ली होगी कि आपका वो पोर्शन कवर्ड है, और इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस काफ़ी टाइम ले लेता है तो वो आपको आराम से तसल्ली से आपके पास टाइम होगा कि वो आप कवर करते रहें, उसमें से चीज़ें जो याद रखने वाली हैं वो याद करते रहें। तो ये अप्रोच आप ये काफ़ी अच्छे से वर्क कर सकती है। जो भी चीज़ आप बुक में पढ़ें उसके बाद ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप वही चीज़ उसके रेलिवेंट सेक्शंस जाके अपने मेल एक्ट्स में भी पढ़ें और उनको इंश्योर करें कि आपको पूरी तरह से समझ आए। क्योंकि ओपन बुक का सिर्फ ये मतलब नहीं होता कि आपको अब याद नहीं करना पड़ेगा चीज़ों को, पर उसका ये मतलब होता है कि आप वो बुक्स बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि आपको एग्जैक्टली पता है कि कौन सी चीज़ कहाँ लिखी है। तो अगर आप मेल एक्ट्स को बार बार रेफरेंस नहीं करेंगे तो वो आपकी मेमोरी ही डिवेलप नहीं होगी। तो मेमोरी डिवेलप करने का तरीका यह है कि आप जब चैप्टर गो थ्रू करें साथ ही मेल एक्ट्स को गो थ्रू करें, उनमें ऑफकोर्स साथ साथ आपने वो अंडरलाइनिंग हाईलाइटिंग स्टिकी नोट्स वगैरह उसी तरह इंटेलिजेंटली यूज़ करने हैं जिस तरह आपने एग्ज़ाम में जिस तरह आपको एग्ज़ाम में हेल्प कर सके। और ये मैंने टिप BFD की वीडियो में भी दी है, FI की वीडियो में भी दी है, ये तमाम ओपन बुक से रेलेवेंट एक टिप है कि आपने ड्यूरिंग योर स्टडी पीरियड उसे यूज़ करना बड़ा ज़रूरी है ताकि आपको एग्ज़ाम में पता हो कि आपने खोलना है तो कहाँ जाना है। यकीन जाने कई दफ़ा एग्ज़ाम में ऐसे होता था कि मुझे इतनी मेमोरी होती थी कि ये चीज़ बुक के तकरीबन एंड में है कि समटाइम्स आई जस्ट ओपन द बुक लाइक दिस एंड वही पेज निकलता था जो मुझे चाहिए होता था। तो वो इतनी प्रैक्टिस हो गई थी बाय द एंड कि आपको एक्चुअली वहीं पे ही बुक खुलती है जिधर आपको चाहिए होता है, बिकॉज आपको पता होता है एग्जैक्टली किधर है। तो ये चीज़ डिवेलप करने के लिए है और इससे बहुत ज़्यादा टाइम सेविंग होती है। एग्ज़ाम में नहीं टाइम होता कि आप एक एक पेज को पढ़ रहे हो कि अच्छा वो चीज़ कहाँ लिखी थी, ये बिल्कुल भी टाइम नहीं होता आपके पास। आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए कि किस सेक्शन में ये चीज़ लिखी हुई है और मैंने वहाँ जाना है। नंबर ना भी याद हो आपको सेक्शन का, लेकिन आपको एटलीस्ट उसका ऑर्डर याद हो। नेक्स्ट टिप ये है कि जब भी आप क्वेश्चंस कर रहे हो चैप्टर के एंड पे तो उसके अंदर ये होता है कि कोई ना कोई ऐसी टैक्स ट्रीटमेंट होती है जो कि आपको न्यू लगती है या उस क्वेश्चन में ऐसे नई अप्रोच लगी सेम टैक्स ट्रीटमेंट के लिए लेकिन तरीका डिफरेंट था या कुछ भी ऐसे। तो ऐसे होता था कि उस पर्टिकुलर एडजस्टमेंट या उस पर्टिकुलर जो भी वो लाइन से रेलिवेंट होती थी क्वेश्चन में उधर मैं स्टार मार्क कर देती थी ताकि मुझे पता हो कि रिवीजन के टाइम पे मुझे ये वाली एडजस्टमेंट इन पर्टिकुलर है जिसको मैंने देख के सोचना है कि क्या करना है, और उसको अगर नहीं मुझे याद हुआ तो मैंने रिवाइज करना है। तो ये अप्रोच बड़ी हेल्प इसलिए करती है क्योंकि रिवीजन के टाइम आप पूरे क्वेश्चन सारे नहीं कर सकते, तो आपको ये पता होना चाहिए एग्जैक्टली कि कौन से आपके वीक एरियाज थे। वो वीक एरियाज आप पहले को में अगर आइडेंटिफाई कर लें तो आपको बार बार जाके उसको चेक नहीं करना पड़ेगा। टैक्स में प्रैक्टिस करते हुए मैं इंश्योर करती थी कि मैं अपना जो फॉर्मेट है वही प्रैक्टिस करते हुए रखूं जो मैंने एक्चुअली एग्ज़ाम में करना है। और टैक्स में ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आप वो फॉर्मेट फॉलो करें, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो अगर आपने राइट फॉर्मेट नहीं बनाया हुआ तो आपका क्वेश्चन ठीक होगा ही नहीं टैक्स में। तो जैसे सेल्स टैक्स है उसके अंदर मैं तो स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगी कि आप रूलर यूज़ करें,
कॉलम्स बनाएं जिस तरह से आई के आप यूजली अपने सजेस्टेड आंसर्स में करता है. मुझे तो वो फॉर्मेट्स काफ़ी ज़्यादा सूट करते थे और मुझे एक्चुअली उनकी वजह से क्वेश्चन सॉल्व करने में रिलेटिवली मतलब आसानी होती थी. तो इसलिए रूलर नीट सारा करें, नोट्स रेफरेंसेस जिधर देने दें. इनकम टैक्स के क्वेश्चन में भी हमें पता है कि नोट रेफरेंसेस दे के आगे उसको एक्सप्लेन करना है, उसकी वर्किंग दिखाना उतना ही ज़रूरी है जितना एक राइट आंसर ज़रूरी है. तो इसलिए वो जो नोट रेफरेंसेस जब आप देते हैं तो आई नो वो देते हुए सबसे बड़ी मुश्किल ये होती है कि मैं कितना पेज छोड़ूँ कि उसके बाद नोट रेफरेंसेस देना स्टार्ट करूँ कि मतलब वो क्वेश्चन वहाँ तक ख़त्म हो जाएगा कि नहीं होगा या कुछ ऐसे. तो हमें बड़ी कन्फ्यूजन होती है, एक बड़ी जेन्युइन सी प्रॉब्लम है. पर इसका सलूशन यही है कि जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप उसी तरह प्रैक्टिस करें जैसे आपने एग्ज़ाम में करना है. तो उससे आहिस्ता आहिस्ता आपका अंदाज़ा बहुत अच्छा होता जाएगा. उसके बाद आपको एग्जैक्टली पता होगा कि इस टाइप का क्वेश्चन मैं ऑलमोस्ट इतनी स्पेस पर कर लूँगी या कर लूँगा, और उतनी स्पेस आप छोड़ें और उसके आगे फिर आप नोट रेफरेंसेस देना स्टार्ट कर दें. क्योंकि अब ये बुक ओपन बुक एग्ज़ाम है तो इसका मतलब है आपको बहुत ज़्यादा थ्योरी तो याद करनी नहीं पड़ेगी. और आप लोग बहुत लकी हैं, आपको कोई आइडिया नहीं है पर आप लोग बहुत लकी हैं इसमें, क्योंकि हमें अक्सर इतनी थ्योरी याद करनी पड़ती थी कि आई रिमेम्बर कि मैंने शॉर्ट फॉर्म भी बनाए हुए थे ऑलमोस्ट हर चीज़ की थ्योरी के, कि जैसा निमोनिक्स जिन्हें कहते हैं वो बनाए हुए थे. और लास्ट डे मेरा काम होता था कि मैं सिर्फ वो निमोनिक्स ही रिवाइज करती रहती थी क्योंकि इतने सारे निमोनिक्स होते थे. तो खैर आप लोग बहुत लकी हैं कि आपको बुक ले जाना अलाउड है. तो उसमें आपने ये कोशिश करनी है कि अगर आपने बुक ले जाने का एक और मतलब बेनिफिट उठाना है तो वो ये है कि आप जो मेन फार्मूलाज होते हैं जैसे टैक्स क्रेडिट कैलकुलेट करने के लिए हैं या वो एवरेज रेट ऑफ टैक्स लगाते हैं हम लोग, वो सारी इस तरह की जो चीज़ें हैं वो कोशिश करें कि आपको मोस्टली याद हो, ताकि आपको बार बार बुक खोल के रेफरेंस ना करना पड़े. क्योंकि अगर आप हर छोटी चीज़ के लिए भी बुक को रेफरेंस करेंगे तो आपको डेफिनेटली एक टाइम मैनेजमेंट का इशू आएगा. और इससे याद आया कि मेरे ऊपर एक टाइम मैनेजमेंट की वीडियो भी ड्यू है, मुझसे काफ़ी लोगों ने रिक्वेस्ट की हुई है, बल्कि कॉर्पोरेट लॉ के लिए भी वीडियोज़ की रिक्वेस्ट आई हुई है. आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि अपनी वर्क और होम रूटीन के साथ है ये वीडियो साथ साथ बनाती रहूँ, आप लोगों को अपडेट्स मिलती रहें. पर मुझे आप लोगों की भी ऑफकोर्स सपोर्ट चाहिए, तो इसलिए जल्दी 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 लाइक का बटन प्रेस कीजिए और ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें. अच्छा, लास्टली एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि कुछ चीज़ों में अभी भी टैक्स ट्रीटमेंट्स के बारे में कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, टैक्स एक्सपर्ट्स आपस में एग्री नहीं करते. तो आपने उसमें टाइम ज़ाया नहीं करना कि बुक में तो ऐसे ट्रीटमेंट हुआ हुआ है और यही चीज़ आपकी सजेस्टेड आंसर्स में अलग हुआ हुआ है. आपको जो आपका गट फीलिंग है, आपको अगर बुक फॉलो करनी है आप बुक फॉलो करें. इस पर आपने ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना क्योंकि ये एक बहुत रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम है और जो आपका एग्जामिनर है उसको भी इस बात का आइडिया है. और अगर वो डिफरेंट टैक्स इंटरप्रिटेशंस यूज़ हो रही हैं आपके कंट्री में तो आपको एग्जामिनर उस पर इनकरेक्ट मार्क नहीं करेगा, ये मेरा अंदाज़ा है. तो उसके जो एक्स्ट्रा टाइम लगाने का या फ्रस्ट्रेट होने का या फालतू में ऐसे बार बार किसी टीचर्स को अप्रोच करने का जो आप टाइम वेस्ट करेंगे और जो एनर्जी वेस्ट करेंगे, मैं वो कहूँगी कि अब आप किसी और उसमें लगा दें, वो ज़्यादा बेनिफिट देगा रादर देन ये छोटी मोटी चीज़ जो आपको कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह इंटरप्रिटेशन में नज़र आएंगे. बस ये ज़रूर है कि जिस भी आप चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, जिस भी इंटरप्रिटेशन को, उसको आपने विद सेंस एंड विद लॉजिक फॉलो करना है. ऐसे नहीं कि हम कुछ भी फॉलो करेंगे तो हमारा मार्क हो जाएगा एक्यूरेट. ऑफकोर्स देर शुड बी अ बेसिस टू इट. और अगर आपकी सोर्स ऑथेंटिक है, जैसे कि इस तरह कोई भी टैक्स बुक है जो एक टैक्स एक्सपर्ट ने लिखी हुई है, तो आई एम श्योर कि यू आर इन द सेफ जोन. एंड एज लॉन्ग एज आप वो अप्लाई करें, कंसिस्टेंटली वो अप्रोच अप्लाई करें, तो कोई इस तरह इशू बिग होना नहीं चाहिए. और इन टिप्स के अलावा ऑफ कोर्स मैंने एक मेमोराइजेशन के लिए भी टिप्स यूज़ की थी जो कि आप लोगों से ज़्यादा रेलेवेंट नहीं है, लेकिन यही वो टिप्स हैं जिनसे जो है मेरा गैप लेवल पे भी मेरिट आया था और सीफैब में भी ओवरऑल मेरिट सर्टिफिकेट आया था, तो टैक्स का पेपर भी अच्छा ही हुआ होगा. तो इसलिए उम्मीद है कि आपको भी इन टिप्स से हेल्प होगी और आप अपना पेपर ईजीली स्मूथली पास कर सकेंगे और मे बी डिस्टिंक्शन भी ले सकेंगे. लॉ की लैंग्वेज से कभी भी नहीं घबराना है, टैक्स में बेयर एक्ट्स को अपने साथ साथ लेके चलना है. और आज की वीडियो के लिए बस यही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन अल्लाह हाफिज़.